जोशीमठ में लैंडस्लाइड के बाद मसूरी में भी दरारें देखी गई थी, जिसमें मसूरी के लंडोर बाजार जैन मंदिर के आगे सड़क पर लैंडस्लाइड से जैन मंदिर और आसपास रह रहे लोगों को खतरा पैदा हो गया है, जिसमें रुड़की आईआईटी की टीम ने मसूरी जैन मंदिर पर हो रहे भूधसाव का निरीक्षण किया। आपको बता दें कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था के असिस्टेंट प्रोफेसर सारदा प्रसाद प्रधान का कहना है कि निरीक्षण के दौरान भूदशाव को देखा गया है, इसका विश्लेषण किया जाएगा कि यही भूदशाव क्यों हो रहा है। वहीं भू वैज्ञानिक पीयूष रोतेला का कहना है कि पहाड़ों में जगह का अभाव होने के कारण सभी गतिविधियां एक जगह पर होती हैं, जिस कारण इस प्रकार से दबाव बनता है और यहाँ पर कई भवनों की अवधि पूरी हो चुकी है। उन्होंने कहा कि अभी इसको रोकने के उपाय पर विश्लेषण किया जाएगा। मसूर से नरेश नोटियार की रिपोर्ट। अभी तो देख रहे हैं और भी नीचे जाएंगे और देखेंगे ढलान में कहाँ कहाँ के क्रैक्स हैं, तो जो भी अफेक्टेड है, जो भी बिल्डिंग्स या रोड, वो क्रैक्स वगैरह देख रहे हैं, फिर इसको एनालिसिस करेंगे, फिर बता पाएंगे। लेकिन अभी तक जो दिख रहा है वो लोकलाइज्ड जो रोड के सेक्शन में ही दिखा है, और बाकी हम थोड़े नीचे जाते हैं वहाँ देख लेंगे, फिर बता पाएंगे। पहाड़ों में सभी जगह है कि जगह बहुत कम है, आपको हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन के लिए जगह नहीं है, फिर सारी आपकी कमर्शियल एक्टिविटीज जो हैं वो सड़क के आसपास हैं, तो वहीं पे ज़्यादा आबादी का दबाव रहता है, आदमी प्रेशराइज रहता है कि वहीं पे बनाए, तो कई भवन काफ़ी पुराने हैं जिनकी जो मियाद है वो करीब करीब समाप्त होने को है।